सस्त्रीकाल फ्रेंड्स, मैं सरस्वती कौर तारे सब का स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री, जिससे अज मैं तुहानू सिखाई काजू कतली। काजू कतली जिहड़ी है सारे दी फेवरेट हुंदी है ते आ किसे टाइम में खाधी जांदी है ते ओ काजू कतली आपां घर कितरा बनावांगे आओ वेखिए। आधा किलो मैं काजू लै रही हां, पाई है मैं चीनी लै रही हां, 2 चम्मच देसी घ्यो है। हुण काजू नूं मैं पीस लांगी। आपां इहदा पाउडर बनाणा ना कि पेस्ट बनाणा, थोड़े थोड़े पाके पेस्ट पीसेंगे। एनो आप छान के अलग करेंगे। मैं सारे काजू पीस लांगी, बाकी दे बचे हुए काजू मैं पीस रही हूँ। एनो ऐवे करके हल्का हल्का प्रेस करके मैं पीस रही हूँ, क्योंकि जे आप एकदम पीसेंगे ना वो जो थले अपना ऑयल जो होगा रिलीज कर देगा ते थले ना थोड़ा जाम जो जाता है और नहीं सन चाहिए सानू। देखो बिलकुल भी मिक्सी थले जमया होया नहीं, मिक्सी नीचे कुछ भी जमया होया नहीं है, देखो सिर्फ पाउडर पाउडर है। एवं ही तुसी भी पीसना है, जो थले जम जाते ना फिर वो तेल जन छड़ देता तो फिर जी आप काजू कतली पाने ना काजू पाने वे चाशनी तो वो जो है गठा जो बन जाती है। छाननी लवेंगी तो ये छाना आटा छानने वाली छाननी है। देखो एवं पाउडर निकल आया। हम जो मोटे मोटे बच्चे आप दोबारा पीस लेंगे, इन्हें मैं जार में वापस पा रही हूँ। हम पाउडर बन के बिल्कुल तैयार है तो जेडे लास्ट जो दाने बचते ना वह ज़्यादा पीसे नहीं जाते ना ही छाने जाते, उन्होंने मैं पानी पी के पीस लिया। देखो बचे हुए दाने मैं पानी पा के पीस लिया, जो आप बिना पानी तो पीस देना जो ये अपना ही मॉइस्चर रिलीज करता है उदो गठा बन जाती है, ये गठा नहीं बन गया। हम फ्लेम कर लिए मैं, हूँ मैं पाइया चीनी ली सी वो पा देंगी, एक गिलास पा देंगे मैं पानी ये चीनी हूँ आप मेल्ट हो देवे। वीडियो तो इन्ना वेख्या करो क्योंकि बाद क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर दौ कि क्वांटिटी पाई तो कैवें किया कैवें नहीं किया, इस करके वीडियो लास्ट तक वॉच करे करो। वीडियो में वेखते सार लाइक कर दिया करो ना शेयर कर दिया करो तो जे मेरे नवे व्यूअर वेख रहे हैं वो चैनल में जरूर सबसक्राइब करो, ठीक है, ताकि जी नवी वीडियो की नोटिफिकेशन नैक्सट टाइम तक मिल सके। वीडियो जी मैं सिंपल बनानी हाँ तो ईजी वे इन्हों दस दी हाँ ताकि हर कोई जरा चीज़ बना सके। हम चीनी सिर्फ मेल्ट करना, यदि चाशनी नहीं बनानी, इन्ना ध्यान रखना चीनी मेल्ट करने वास्ते कह ना कि चाशनी बनाने वास्ते कह। मैं जी काजू कतली बच्चे होंगी है मेन जो होंगे पकाना होंगे, जे तुसी सही तरीके तुहाडी चाशनी सॉरी चीनी नहीं मेल्ट होएगी या फिर पानी की क्वांटिटी घट होएगी तो वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। इस करके जब भी तुसी ध्यान ना वेख्या करो वीडियो तो क्वांटिटी भी अपने हिसाब से ही कर लिया करो, या ज्यादा बनानी हो तो उस हिसाब से ज्यादा कर लो। जब मैं आधा किलो लिया तो किलो के हिसाब से बनानी है तो आधा किलो चीनी ले लेना तो 2 गिलास पानी ले लेना, मैं गिलासी के हिसाब से लिया ही तुसी अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। हम जी चीनी अपनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, हम चीनी है जी मेल्ट हो चुकी है तो आप पहले तो पाउडर पावे। स्लो फ्लेम की हुई है मैं,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ कर देंगे तेज फ्लेम पे हम इन चलाते चलाते देश घ्यो पा देंगे दो चम्मच मैं घ्यो ले रही हूँ हम मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे मैं हूँ देखो अगर ना सैट हों जा रहा कॉन्टीन्यूट में चलाते रहोंगे जो चलाओगे नहीं ना तो नीचे लगना शुरू हो जाएगा स्लो फ्लेम से कर रही हूँ ठीक है स्लो फ्लेम से करना है छड्डा लग जाए ना फिर अपन प्लेट च कढ़ा लेंगे आ देखो बर्फी जड़ी है अपनी कट्ठी होनी शुरू हो गई है ठीक है दो मिनट मैं और चलावांगी सिर्फ दो मिनट और चलावांगी अच्छी अच्छी बस हम जड़ी पर्स रेडी होने वाली है कट्ठा होने लगे एक सेकंड और चलाऊंगी आ देखो बिल्कुल साइड छड़ रही है ना तो हम जड़ी है चाशनी ते काजू काजू जड़े एक हो चुके ने ते आप इनू ट्रे विच पावांगे इहदे कोई इनू ग्रीस करन दी लोड़ नहीं हैगी एवें पा देंगे थोड़ी देर ठंडी करांगी मैं एसी अगे रखांगी मैं एसी अगे फ्रिज च रखांगी मैं देसी घ्यो लिया पहले तो मैं बटर पेपर से लगा लांगी सारा जी बर्फ बर्फी ठंडी हो चुकी है तो मैं ऐसे लवाऊंगी चलो हूँ मैं बटर पेपर से कट लाँगी सारे नो कर लेंगे क्योंकि ठंडी हो चुकी है कुछ तो जम चुकी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੀੜਾ ਪੰਜ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ
अच्छी हूँ आप इतने थोड़ा जो जो देसी घ्यो ला लाँगे हम वेलने के ना मैं वेल देंगी हम पोला पोला वेल देंगे पतली वेलांगे जिहड़ा कि शेप आपां नूं बाजार विच मिलदी है हुण मैं वेल चुकी हां ते इहदे सिल्वर पेपर लाऊंगा सिल्वर पेपर लावांगे क्योंकि सिल्वर पेपर नाल जिहड़ी है लुक बहुत वधिया हो जाती है हुण जिहड़े पेपर मैं ला चुकी हूँ सिल्वर पेपर चांदी का वर्क होता है ईजली मार्केट अवेलेबल है तो तुम ला सकते हो ऐसे लाने नाल की होंगे जिहड़ी बर्फी दी लुक है ना वो बहुत वधिया आती है लुक भी वधिया आएगी टेस्ट भी वधिया आएगा तो हुण मैं चार पाँच घंटे वास्ते सैट होने वास्ते होर रखा हुण जिहड़ी बर्फी सैट हो चुकी है तो हुण मैं कट रही हूँ हुण देखो किन्नी वधिया जिहड़ी बर्फी जम के तैयार हुई है इहो जी काजू कतली आपां घर लैके आने ते ओह बहुत कॉस्टली बनती है 700-800 रुपए किलो है ते तुसी ईजली घरे बनाओ ते उहदे विच कई वारी हुंदी पीनट जिहड़ी मिक्स हुंदी है ते आह प्योर काजू की बनी हुई बर्फी है ते तुसी भी घर जरूर ट्राई करो हुण जिहड़ी काजू कतली बन के बिलकुल तैयार है देखो जिवें दी बाजार विच हुंदी है ओवें दी बिलकुल तुसी भी अपने घर बनाओ ते काजू कतली इंजॉय करो बाय बाय काजू कतली नूं तुसी एक महीने वास्ते स्टोर करके रख सकते हो मैं एयर टाइट कंटेनर विच नूं स्टोर कर रही हां बर्फी जड़े बहुत टेस्टी बने हैं बिल्कुल मार्केट वर्गी आधा किलो काजू का जवाब बर्फी बन गई तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है तुम भी अपने घर बनाओ क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है हजे तक लॉकडाउन ही है अनलॉक तो होया बट अच्छी तरह नहीं होगा तो हलवाइया तो कोल जावे तो उन्होंने को पता नहीं फ्रैश मिठाई हैगी कि नहीं हैगी जो भी बनाना है या खुद खाना या बच्चों को खाना तो घर बना के खाओ बाय 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 कदों छड़ी